क्या बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी अभ्यर्थियों को देखते हुए ऑनलाइन तरीके से पुनः आवेदन लिया जा सकता है? पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों को क्या फिर से आवेदन करना होगा? कई बड़े सवाल, कई बड़े मुद्दे इस वीडियो में। बहाली प्रक्रिया में फर्जी अभ्यर्थी और फर्जी अभ्यर्थियों को देखते हुए शिक्षा के प्रधान सचिव का बड़ा बयान आया कि ऑनलाइन तरीके से होगी बहाली। इस बयान के बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप है। क्या इसी बहाली में फिर से पुनः आवेदन ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा या अगले बहाली के लिए ये बयान है? इस बीच शिक्षा विभाग ने कई बड़े आदेश पत्र जारी किए और आदेश पत्रों के बीच में अखबार ने भी कई बड़ी खबरें दी हैं। आप देख सकते हैं, एक अखबार ने लिखा, प्रमाण पत्रों की जांच अटकी लटकी मेधा सूची। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में कई बड़े केस। एस्टेट बीटेट सीटेट केस की चर्चा के साथ अंत में एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा, सही जवाब देने वाले को बड़ा इनाम। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अनअकैडमी के बारे में बताते हैं। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है टीईटी के तैयारी का सुनहरा मौका। साथ में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप के साथ कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार, रोजगार और अनअकैडमी की एक बड़ी पहल है ये रेफरल कोड। इस रेफरल कोड के सहारे आप किसी भी पैकेज पर 10% की छूट पा सकते हैं। आप अपने तैयारी के किसी भी पैकेज को सेलेक्ट करें और इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% की छूट पाएं। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। भारत के किसी भी टीईटी या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपके साथ। आपको बता दें कि सीटेट 2021 की तैयारी के लिए टारगेट सीटेट 2021 बैच भी शुरू है। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके साथ। आप गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट में जाकर अपना सिर पीटते रहते हैं कि कहां से फंस गए, पर अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, भारत के बड़े प्रतिष्ठित एजुकेटर आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी तैयारी को नया आयाम देंगे। बहुत ही आसान किस्तों में अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं, 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 मात्र। SSR TET शिक्षा सुधार रोजगार के इस रेफरल कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे 10% की आपको छूट मिलेगी। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में भूचाल तब आया जब फर्जी शिक्षकों के 1.5 लाख फोल्डर गायब होने का मुद्दा पटना हाईकोर्ट में गुजा और ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। शिक्षा सुधार रोजगार ने भी इस मुद्दे को उठाया है। आप देख सकते हैं, पटना से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर सर्च फॉर मिसिंग फोल्डर्स अगेन। मतलब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के गुम हुए फोल्डर की जांच एक बार फिर से तेज कर दी है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। इस बीच में प्रधान सचिव का बयान आपके स्क्रीन पर है, आवेदन ऑनलाइन लिए जाते तो बहुत सारी समस्या यूं ही समाप्त हो जाती। फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर हाईकोर्ट का करा रुख और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का बड़ा बयान, साथ में अखबार में छपी कई खबरें। शिक्षा सुधार रोजगार ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, साथ में हिंदी से लेकर अंग्रेजी अखबार ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि फर्जी शिक्षकों पर जांच हो। VIB विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा भी शिक्षा विभाग पर कई बड़े आरोप लगे हैं, सुस्त रवैये से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का बड़ा आरोप। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, द VIB ऑफिशियल हैव पुट द ब्लेम फॉर द ट्रेडी प्रोग्रेस इन द केस ऑफ लेक ऑफ करप्शन फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप समझ सकते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी सुस्त जांच प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि शिक्षा विभाग सुस्त रवैये से कार्य करता है, जिस कारण से जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, पटना हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद विजिलेंस विभाग ने भी शिक्षा विभाग पर ही आरोप मढ़े हैं। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में जनवरी माह में इस केस की सुनवाई होने वाली है और शिक्षा विभाग को इस संबंध में जवाब देना है कि क्यों फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अखबार ने क्या लिखा है, आप देख सकते हैं, इफ़ नियरली 1.10 lakhs फोल्डर्स ऑफ कैंडिडेट्स आर मिसिंग, मेरिट लिस्ट आर नॉट अवेलेबल एंड पंचायती राज इंस्ट्रक्शन हैव सीन चेंज ऑफ गार्ड सेवरल टाइम्स इन द लास्ट 1 decade, हाउ वी कैन कैरी आउट प्रूव। आप समझ सकते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग पर कई बड़े आरोप लगाए, 1.10 lakh शिक्षकों के फोल्डर गायब है, तो ऐसे में जांच की प्रक्रिया पूरी कैसे हो। साथ में विजिलेंस डिपार्टमेंट का साफ तौर से कहना कि पंचायती राज के नियम कानून भी बार बार बदले हैं इन 10 सालों में। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नियोजन इकाई पर सवाल कई खड़े हुए हैं। पटना हाईकोर्ट में जनवरी माह में केस की सुनवाई है। अखबार की खबर पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जनवरी माह में सरकार और शिक्षा विभाग को घेरेगा। पटना हाईकोर्ट में सीधे तौर पर सवाल उठेंगे कि 1.10 lakh शिक्षकों के फोल्डर ही नहीं हैं तो जाँच कैसे पूरी हो। साथ में नियम कानून का भी हवाला होगा।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का बयान ऐसे ही नहीं आया था कि ऑनलाइन तरीके से बहाली हो। आप समझ सकते हैं अखबार की खबर, शिक्षा सुधार रोजगार की पहल। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ने अधिवक्ता से इस संबंध में बातचीत की कि शेड्यूल पर क्या चैलेंज हो सकता है, क्योंकि 2019-20 शिक्षक बहाली 2011-12 के शेड्यूल पर ही हो रहा है और शेड्यूल पर पटना हाईकोर्ट में घमासान है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार जी से बातचीत की। टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं, बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में ये सबूत भी हमने दिखाया। अधिवक्ता ने क्या कहा इस मुद्दे पर, आप भी सुनिए। सीआईएल आपको देंगे कि बिहार शिक्षक बहाली में जैसे देखिए 1.5 लाख से 2 लाख फर्जी शिक्षक 2011-12 से भर्ती हो गया। ये मुद्दा सही है, एकदम बिल्कुल सही है। और अभी फिर आप देखिए कि 2019-20 में भी जो बहाली प्रक्रिया उसी शेड्यूल पर हो रही है। अब आप एक बात बताइए सर, हम आपसे मतलब राय ले रहे हैं सर कि जब शेड्यूल वही है और जिस पर पटना हाईकोर्ट ने क्लेम भी कर दिया है और विजिलेंस की जांच भी बैठा दी है और यहां तक कहा है पटना हाईकोर्ट ने कि अगर इस पर अगर नहीं सही से जानकारी दिया जाएगा तो सीबीआई को जांच देंगे, तो सर हमारा कहना है कि हर नियोजन इकाई में 10 गो फर्जी टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी बैठा हुआ है जो आवेदन कर चुका है, तो ऐसे में तो ये बहाली की प्रक्रिया ही न रद्द होनी चाहिए। एकदम रद्द होनी चाहिए। इस ज्वलंत मुद्दे की आंच शिक्षा विभाग को जला रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में हड़कंप है। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी अब ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें पुराने शेड्यूल पर आवेदन लिया गया है, फिर से वही बहाली, फिर से वही सर्टिफिकेट की जांच और पटना हाईकोर्ट का करा रुख इस बात पर कि कैसे फर्जी अभ्यर्थी शिक्षक बन गए। अब देखना यह है कि पटना हाईकोर्ट जब जनवरी माह में इस केस की सुनवाई करता है, जिस केस के बाद ये बड़ा हड़कंप आगे बढ़ा है, तो क्या निकल कर आता है। शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको हमेशा जागरूक किया है और इस खबर से सबसे पहले हमने ही आपको रूबरू कराया था। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि फर्जी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर पीआईएल का केस स्टैंड हो सकता है। प्रमाण पत्रों की जांच अटकी लटकी मेधा सूची, ये हिंदुस्तान अखबार मुजफ्फरपुर की खबर है। इस खबर के कई मायने हम आपको बता दें कि अब्दुल सलाम अंसारी मुजफ्फरपुर के DEO है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर प्रमाण पत्रों की जाँच होनी है तो CD भी उपलब्ध सरकार और शिक्षा विभाग को करवाने होंगे। अखबार ने लिखा 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर फैसला नहीं, फर्जीवाड़ा मिलने पर अनुमोदन से पहले बदलनी थी प्रक्रिया। अखबार ने साफ तौर से लिखा कि मेधा सूची में अनुमोदन से पहले प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर विभाग अब तक निर्णय नहीं ले सका है। शिक्षक बहाली में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद इस बार अनुमोदन से पहले प्रक्रिया को बदलने का आदेश दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार है, ऐसे में अनुमोदन से पहले शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को बदलने की जो बात की, आप समझ सकते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में ऑनलाइन तरीके से बहाली की जो बात है वो सामने आ सकती है। शिक्षा सुधार रोजगार इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है और जल्द ही प्रधान सचिव शिक्षा के जो है उनसे मिल करके हम ये ज्ञापन भी देंगे कि ऑनलाइन तरीके से पुनः आवेदन लिया जाए, जिसमें सीटेट समर अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। जब बहाली प्रक्रिया के शेड्यूल पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं और फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार है, तो ये मुद्दा ज्वलंत है। ऐसे में अब 100% ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन लिया जाएगा, ये साफ हो चला है, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थियों के फोल्डर जिस तरह से गायब हैं और शिक्षा विभाग जिस तरह से हलकान है, हाईकोर्ट पटना के कड़े निर्देश हैं, अब ऑनलाइन प्रक्रिया से ही बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये अब साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की ये बड़ी मांग है कि जब नए शेड्यूल के साथ बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। और इस संबंध में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले उच्च अधिकारियों को कई बड़े ज्ञापन दिए जा चुके हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेगा कि आप अभ्यर्थियों को बरगला कर कुछ लोग पटना बुला रहे हैं। 8 जनवरी 2021 को हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी के बरगलाने में ना आए, शिक्षा सुधार रोजगार अपना कार्य कर रहा है, आप अभ्यर्थियों को 8 जनवरी को पटना नहीं आना है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को यह सोचना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार के बड़े पहल के बाद ही ऑनलाइन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात आई है। ऐसे में जब कार्य हो रहा है तो आप अभ्यर्थियों को हंगामा करने की क्या जरूरत है। आप अभ्यर्थियों को हंगामा कब करना चाहिए था, जब पटना हाईकोर्ट में केस आपका मजबूत तरीके से था। उस वक्त अगर हम BTSC JEE के अभ्यर्थियों की तरह शिक्षा विभाग में जा करके उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात को रखते तो आपको कुछ मिल सकता था, पर अब डिसमिस केस के बाद LPA की कार्रवाई आगे शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले बढ़ रही है। इसमें शिक्षा सुधार रोजगार फर्जी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी सरकार और शिक्षा विभाग को घेर रहा है। आप अभ्यर्थियों को जब उचित समय आएगा पटना बुलाया जाएगा, पर अभी कोई भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पटना की धरती पर ना आए। अब आवश्यक सूचना आप अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों को सही जानकारी हर वक्त मिले, इसलिए सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के जिलावार ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुपों का निर्माण हुआ है।
आप अभ्यर्थी आपके स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके अपने जिले के ग्रुप में जुड़ जाएं। किसी भी भ्रम और भ्रांति फैलाने वाले अभ्यर्थी के चक्कर में ना रहे। ये वही अभ्यर्थी है जिसने सिंगल बेंच में जीता हुआ केस आपको हरवाया था और आप अभ्यर्थियों को फिर से पटना की धरती पर बुलाया जा रहा है। आप अभ्यर्थी है समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार ने बहुत मजबूती के साथ शिक्षा विभाग में जो बड़े ज्ञापन दिए उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात है। अब आप अभ्यर्थियों के लिए हम काम कर रहे हैं, पर इस तरह आप अभ्यर्थियों को कोई बरगला कर अगर गलत दिशा से आगे बढ़ाएगा तो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में बरगलाने वाले लोगों से बचे। याद रहे कोई भी जानकारी शिक्षा सुधार रोजगार के जिलावार ग्रुप में ही दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा सुधार रोजगार आपको कहीं और कोई जानकारी नहीं देगा। बहुत सारे फेक व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसमें गलत तरीके के मैसेज आपको मिलते हैं, पर शिक्षा सुधार रोजगार आपको सही रास्ते पर ले जाना चाह रहा है। इसलिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके अपने ग्रुप से जुड़े, अपने जिलावार ग्रुप से जुड़े, किसी भी भ्रम और भ्रांति से बचें। इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक, इसके बाद ट्विटर पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप अपने शिक्षा सुधार रोजगार के पेज से जुड़ें और जो भी सटीक और सही जानकारी है उसको पाएं। किसी भी भ्रम और भ्रांति में न रहें। आप अभ्यर्थियों को बरगलाकर सिंगल बेंच में आपका केस डिसमिस कराया गया, फिर से आपको बरगलाने वाले खड़े हैं, पर शिक्षा सुधार रोजगार जो कार्य कर रहा है वो आपके सामने है। मैं आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर कॉल करके अपने जिलावार ग्रुप से जुड़ जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज से जुड़ सकते हैं। आपको बड़ी खुशखबरी दे दें कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एलपीए का केस सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए आगे बढ़ चुका है और जल्द ही इसके संबंध में बड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। जिलावार ग्रुप से जुड़े रहें। अब आज का सवाल, बहुत ही आसान है। मुजफ्फरपुर के डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या नाम है? वीडियो से जुड़ा सवाल है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और जीते बड़ा इनाम। जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। धन्यवाद।